हेलो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक. ओके, प्ले विद ग्रामर एंड टेक आउट पेज नंबर 5, लेसन नंबर 1, सेंटेंस. इन माय अर्लियर वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू इन माय ओन लैंग्वेज. मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको सेंटेंस समझा दिया था, ठीक है. और आज मैं आपको थोड़ा बुक से एक्सप्लेन करूँगी. ओके, यू ऑल नो दैट सेंटेंसेस आर 4 टाइप, है ना. फर्स्ट वन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इंटेरोगेटिव, थर्ड इम्पेरेटिव एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी. और उन सब के मैंने एग्जांपल्स आपको अच्छे से बोर्ड पर समझाया था ना, आपको सारा समझ में आ गया था ना कि डिक्लेरेटिव में क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट होता है ना. देन इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन, इम्पेरेटिव में कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वट एवर, है ना. एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी में शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ये फीलिंग सैड भी हो सकती है, हैप्पी भी हो सकती है, स्पेशलिटी भी कुछ हो सकती है ना. तो ये सब मैंने आपको समझा दिया था सब, है ना. एंड नाउ कम टू द पेज नंबर 6. इसमें क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ये भी मैंने आपको बताया था अपने एग्जाम्पल से कि सब्जेक्ट क्या होता है, नेम द पर्सन, प्लेस और थिंग द सेंटेंस इज अबाउट. और प्रेडिकेट जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है ना. प्रेडिकेट टेल्स व्हाट इज द सब्जेक्ट. और ये क्या होता है, मैंने बोला था ना, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है और प्रेडिकेट वर्ब या एडजेक्टिव भी हो सकता है. एग्जाम्पल, डिज्नीलैंड इज माय फेवरेट वेकेशन स्पॉट. तो डिज्नीलैंड इसमें सब्जेक्ट है और ये क्या है, नाउन है ना, प्रॉपर नाउन. और उसके बाद का पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेडिकेट है. सेकंड में गर्ल इन द रेड फ्रॉक, ये क्या है, सब्जेक्ट. उसने क्या किया, जो एक्शन है वो प्रेडिकेट. अंडरस्टैंड. तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1 में आपको क्या करना है, राइट द करेक्ट पंचुएशन. पंचुएशन मतलब जो सेंटेंस में जो हम सिंबल्स लगाते हैं ना, उसको पंचुएशन कहते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्या है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ना, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क. अभी सेकंड क्या है, लेट्स मीट एट द कैंटीन. ये कौन सा सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव भी हो सकता है और डिक्लेरेटिव भी, है ना. तो इसमें क्या आएगा, फुल स्टॉप. थर्ड, डोंट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर. तो ये क्या है, ऑर्डर या कमांड है, तो कौन सा हुआ, इम्पेरेटिव. ओके, एंड फोर्थ वन, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो इसमें तो क्या एक्सप्रेशन फील हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी. फिफ्थ वन, कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बैग, क्वेश्चन है ना. हम क्या कर रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा. ओके, अभी एक्सरसाइज बी, राइट वन सेंटेंस ऑफ ईच काइंड. तो डिक्लेरेटिव लिखना है, मतलब कोई स्टेटमेंट टाइप का सेंटेंस. तो मैंने तो लिखा है ये, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, है ना. सेकंड में इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क. थर्ड इम्पेरेटिव मतलब ऑर्डर या कमांड. एंड फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी शोइंग एक्सप्रेशन. तो ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं या फिर जैसा मैंने लिखा है वो भी कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर एक्सरसाइज सी हमको नहीं करनी, उसको ओमिट कर देना है. नाउ कम टू द पेज नंबर 7. अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग
सेंटेंस। हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट में क्या है, आई सब्जेक्ट है। सेकंड में श्रेया एंड आई, ये क्या है, सब्जेक्ट। वो क्योंकि क्या कर रहे हैं, प्लांटेड अ ट्री इन द पार्क, ओके। देन आफ्टर थर्ड वन, फोर बर्ड्स, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और वो क्या कर रहे हैं, फ्लू ओवर द बीच। फोर्थ पिंक, पिंक क्या है, सब्जेक्ट है ना, इज माय फेवरेट कलर। फिफ्थ वन, द डोंकीज स्टॉप एंड सेट डाउन, ओके। समझ में आ गया आपको, ऐसे ही करना है। ई एक्सरसाइज, एड अ सूटेबल प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सेंटेंस। तो मैंने तो अपने अकॉर्डिंग ये किया है, आपका जो मन हो उस हिसाब से भी सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। उसमें सब्जेक्ट ये दिया गया है, हमको क्या ऐड करना है, प्रेडिकेट, और सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ओके। देन एफ एक्सरसाइज, ऐड अ सूटेबल सब्जेक्ट टू ईच सेंटेंस। तो हमें सब्जेक्ट इसमें ऐड करना है ताकि सेंटेंस मीनिंगफुल भी हो और कंप्लीट भी हो जाए। तो मैंने इसमें लिखा है, द गर्ल ऑन द स्टेज वॉज सिंगिंग अ चीयरफुल सॉन्ग। सेकेंड में, द पिंक ड्रेस वॉज न्यू एंड शाइनिंग। द फैट बॉय एट द लेफ्ट ओवर पिज्ज़ा। चिल्ड्रन इंजॉयड द राइड वेरी मच। लास्ट वन, रीमा पेंटेड द फेंस फॉर हिज मदर, ओके। एक्सरसाइज जी, मैच द गिवन कॉलम्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। तो हमको ये इसके अकॉर्डिंग मैच करना है जैसा मैंने किया है, ओके। नाउ कम टू द पेज नंबर 8, एच एक्सरसाइज, टिक द कंप्लीट सेंटेंस। जो सेंटेंस कंप्लीट है हमें उसको ही टिक करना है। तो द काइंड पुलिस ऑफिसर, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है तो इसको टिक नहीं करना है। सेकंड, रीटा रीड अ बुक, ये तो कंप्लीट है तो हमको इसको टिक करना है, ओके। थर्ड वन, अ लिटर ऑफ पपीज, ये भी दिस इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस तो इसको टिक नहीं करना है। फोर्थ, अ शाइनी बीटल क्रॉल्ड अक्रॉस द फ्लोर, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है तो इसको टिक कर देना है, ओके। फिफ्थ वन, फेल इन द पूल, ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ओके। देन लास्ट एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंप्लीट सेंटेंस। हमको क्या करना है, कंप्लीट देम क्रॉस द सेंटेंस विच आर कंप्लीट। तो जो सेंटेंस कंप्लीट है उस पर हमको क्रॉस लगा देना, जैसे मैंने फोर्थ वाला क्रॉस लगाया है क्योंकि वो सेंटेंस कंप्लीट है। टीना वॉज मेकिंग डिनर, टीना डिनर बना रही थी, तो ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है ना, तो मैंने क्रॉस कर दिया है। एंड सिक्स्थ वन में भी क्या है, विजय वॉज स्केर्ड ऑफ द थंडर, विजय थंडर से डरा हुआ था, तो वो भी सेंटेंस कंप्लीट है। जो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, कैसे, मीतू कैन कम इन द रूम, इसमें क्या था, मीतू कैन कम तो कंप्लीट नहीं होगा ना, मीतू आ सकती है, कहाँ आ सकती है, तो इन द रूम। सेकंड, अ हाई क्वालिटी कार, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं है, इज़ वेरी कॉस्टली लिख के कंप्लीट हो गया वो, ओके। थर्ड, फाइव स्लाइस ऑफ ब्रेड आर ईटन बाय रेट्स, तो अभी ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिफ्थ वन, वंस दे गेट हियर वी विल लीव टुगेदर, एक बार वो यहाँ आ जाए तो हम सब साथ में चले जाएंगे, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ओके। तो आपको ये सारी एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक में करना है और नोटबुक में भी करना है, ओके। थैंक यू।